शांति आज की तारीख है छ दो पंद्रह और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है तुम्हारा देश शांति धाम है तुम आत्मा शांत स्वरूप हो इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते प्रश्न है आज का तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है उत्तर है योग बल से बाबा कहते हैं कि तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा कलह युगी पहाड़ उठाकर सोने का पहाड़ अर्थात सतयुग की स्थापना करते हो पांच तत्व भी सतोप्रधान हो जाते हैं अच्छा फल भी देते हैं सतो प्रधान तत्वों से ये शरीर भी सतोप्रधान होते हैं, अर्थात वहाँ जो भी देह धारण करती है आत्मा तो वो शरीर भी सतोप्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं फल बहुत बड़े भी होते हैं और बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं। मुरली की शुरुआत ओम शांति शिव भगवान वाच ब्रह्मा के द्वारा जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए क्योंकि मन अगर शांत है बुद्धि एकाग्र है शांत है और संस्कारों के अंदर भी कोई अशांति का संस्कार नहीं तो नेचुरली आत्मा बहुत खुश रहती है तो बाबा कहते हैं जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए अब हम स्वयं को देखेंगे कि हमें खुशी होती है कितनी परसेंटेज में है और हमें आगे के लिए कितना पुरुषार्थ व मेहनत करनी है क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप उसका स्वधर्म ही शांत है इस पर सन्यासी भी कहते हैं कि शांति का हार तो तुम्हारे गले में ही पड़ा है शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो आत्मा स्वतः ही शांत स्वरूप है इस शरीर में पाठ बजाने उसको परम धाम से आना पड़ता है आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी कर्म तो करना ही है हाँ शांति धाम में आत्माएं शांत रहती है वहाँ शरीर है नहीं अब ये कोई भी सन्यासी आदि समझते नहीं कि हम आत्मा हैं और शांति धाम में रहने वाली है बच्चों को समझाया गया है कि शांति धाम हमारा देश है फिर हम सुख धाम में आकर पाठ बजाते हैं फिर रावण राज्य होता है दुख धाम में जैसे अभी हम कहते हैं मनुष्य कि हमारा देश भारत देश है ऐसे हम आत्माओं का देश कौन सा है शांति धाम वहाँ से इस सृष्टि पर आकर हम पाठ बजाते हैं और फिर रावण का राज्य जब होता है तो हम दुख धाम में दुखी होते हैं। ये चौरासी जन्मों की कहानी है बाबा बैठ के हम बच्चों को हम आत्मा जब से इस सृष्टि पर आती है तो पहले जन्म से लेकर के पूरे चौरासी जन्म हम लेती हैं। तो चौरासी जन्मों की कहानी हम बच्चों को मीठे मीठे बाप दादा सुनाते हैं भगवान वाच है ना अर्जुन प्रति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो अब एक को ही क्यों कहते हैं क्योंकि एक की गारंटी है कि ये पूरे चौरासी जन्म लेता है हा? अर्जुन अब इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना ये बाप भी जानते हैं बच्चे भी जानते हैं कि ये जो सब बच्चे हैं, सब तो चौरासी जन्म लेने वाले नहीं हैं, कोई बीच में भी आएंगे कोई अंत में आएंगे इनका तो सर्टन है किसका लक्ष्मी नारायण का इनको कहते हैं हे hey बच्चे तो ये अर्जुन हुआ ना रथ पर बैठा है ना यानी ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ पर शिव भगवान बैठे हैं और कहते हैं कि हे बच्चे तो ये क्या हुआ ब्रह्मा बाबा अर्जुन हुआ बच्चे खुद भी समझ सकते हैं कि हम जन्म कैसे लेंगे सर्विस ही नहीं करते हैं तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे इनकी तकदीर कहाँ है पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो घर पुराना होता जाएगा ना मैं तो इनके लिए कहता हूँ यानी ब्रह्मा बाबा के लिए जिनके लिए तुमको भी सर्टन है तुम भी समझ सकते हो कि मम्मा बाबा चौरासी जन्म लेते हैं कुमार का है जनक है ऐसे ऐसे महारथी जो हैं वो चौरासी जन्म लेते हैं जो सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे फिर पिछाड़ी में आ जाएंगे तो ये हर एक अपना देखे कि क्या हम ऐसी सर्विस करते हैं जो हम भी बाबा मम्मा के साथ पूरे चौरासी जन्म लेवे स्कूल में बाबा कहते हैं स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना सब एक रस तो हो न सके रेस में जरा भी पाओ इंच का भी फर्क पड़ता है तो वो प्लस में आ जाता है ये भी अश्व रेस है अश्व घोड़े को कहा जाता है रथ को भी घोड़ा कहा जाता है बाकी ये जो दिखाते हैं कि दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा उसमें घोड़े को हवन किया मना स्वाहा किया अब वास्तव में ये बातें है नहीं न दक्ष प्रजापिता है न कोई यज्ञ रचा है पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं है उनका नाम ही कथा है बहुत कथाएं सुनते हैं तुम तो ये पढ़ते हो पढ़ाई को कथा थोड़े कहेंगे स्कूल में पढ़ते हैं एम ऑब्जेक्ट रहती है कि हमको इस पढ़ाई से ये नौकरी मिलेगी कुछ न कुछ तो मिलता है अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है यही मेहनत करनी है बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे खास बाबा को याद करना होता है कि ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ ना फिर याद क्यों करें नहीं याद करना है अपने को स्टूडेंट समझकर हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं ये भी कई बच्चे भूल जाते हैं शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य और अंत का राज सुनाते हैं ये भी याद कईयों को नहीं रहता है हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय मुझे बाप की याद मेरे पास ठहरती है जास्ती टाइम तो बाहर मुखता में ही जाता है ये याद ही मुख्य है इस भारत के योग की ही बहुत महिमा है परंतु योग कौन सिखलाते हैं ये किसी को भी पता नहीं है गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेंगे क्योंकि वह तो शरीरधारी है पांच तत्वों का वह बना हुआ है उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया शिव बाबा तो अशरीरी है इसलिए कहते हैं कि अशरीरी बनो मुझ बाप को याद करो कि तुम कहते भी हो हे पतित पावन तो वो तो एक ही हुआ ना युक्ति से पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कौन भगवान रचयिता तो एक ही, ही होता है अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी है तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो या तो कहेंगे तत्व या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है हम भी भगवान तुम भी भगवान जिधर देखता हूँ तू ही तू है पत्थर में भी तू बस ऐसे कह देते तुम हमारे बच्चे हो ये कह नहीं सकते ये तो बाप ही कहते हैं कि हे मेरे लाडले बच्चों रूहानी बच्चों ऐसे और कोई कह न सके ये एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे न सके चौरासी जन्मों के सीढ़ी का राज कोई समझा न सके सिवाय निराकार बाप के उनका असली नाम है ही शिव ये तो मनुष्यों ने अथाह नाम रख दिए हैं। अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं जैसे मुंबई में बाबुल नाथ कहते हैं परंतु वह अर्थ थोड़े ही समझते तुम समझते हो कांटों को फूल बनाने वाला भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे अर्थ कुछ भी नहीं जानते तो बाप बच्चों को ही समझाते हैं, उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे करते हैं, आजकल फीमेल्स का मान भी है क्योंकि बाप आए हैं ना, तो बाप ने आकर के माताओं की महिमा ऊंची कर दी है तो महिमा बाप आकर माताओं की ऊंच करते हैं। तुम शिव शक्ति सेना हो तुम ही शिव बाबा को जानते हो सच तो एक ही है और गाया भी जाता है कि सच की बेड़ी हिले डुले, परंतु डूबे नहीं तो तुम सच्चे हो नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो बाकी झूठी बेड़िया सब खत्म हो जाएंगी तुम भी कोई यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो तुम फिर दूसरे जन्म में आकर राज्य करेंगे ये बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ही जानते हो ये बाबा न मिला होता तो हम भी कुछ भी नहीं जानते थे अभी सब जाना है आगे बाबा कहते हैं कि ये है युधिष्ठिर यानी युद्ध में स्थित हुआ युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला ये है नॉन वायलेंस माना अहिंसक मनुष्य हिंसा समझ लेते हैं मारा मारी को बाप कहते हैं पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है इसलिए काम महाशत्रु कहा है इन पर ही विजय पानी है मूल बात है ही काम विकार की पतित माना विकारी विकारी कहा ही जाता है पतित बनने वाले को जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहते क्रोध करने वाले को ऐसे नहीं कहेंगे कि ये विकारी है क्रोधी को क्रोधी लोभी को लोभी कहेंगे देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है देवताए निर्लोभी निर्मोही और निर्विकारी हैं। वो कभी विकार में नहीं जाते तुमको कहते हैं कई पूछते हैं प्रश्न कि विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे उन्हों को तो निर्विकारी मानते हो ना, बाबा कहते देवी देवताओं को निर्विकारी मानते हो ना वो है ही वाइसलेस दुनिया द्वापर और कलह युग है विशेष दुनिया खुद को विकारी और देवताओं को निर्विकारी कहते तो है ना? तुम जानते हो हम भी विकारी थे अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से ये पद पाया है और फिर से पा रहे हैं तो याद के बल की कमाल देखो कि मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं हम ही देवी देवता थे और हमने कल्प तो पहले ऐसे राज्य पाया था जो हमने फिर गवाया अब हम फिर से वो राज्य पा रहे हैं यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी परंतु माया यह स्मृति भुला देती है बाबा जानते हैं कि तुम स्थाई याद में नहीं रह सकेंगे तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस अपने घर चली जाए परंतु नहीं पहले नंबर में तो ये जाने वाला है फिर है शिव बाबा की बरात शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगा कर ले जाती है ना तो ये निशानी है शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है बाकी हमारी ज्योत जगाई जाती है यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो योग से तुम पवित्र बनते हो ज्ञान से धन मिलता है पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना, योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती हैं, सर्विस करके उच्च पद पाना है तो कन्याओं ने सुनी अपनी बात कि बाबा क्या कहते हैं जीवन बाबा कहते हैं जीवन हीरे जैसा बनाना है कम नहीं गाया जाता है फॉलो फादर मदर सी मदर फादर और अनन्य ब्रदर्स सिस्टर्स तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि तुमको दो फादर हैं एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक अब इसमें बड़ा कौन बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना? वर्षा उनसे मिलना चाहिए अभी वो वर्षा दे रहे हैं। वर्षे में विश्व का मालिक बना रहे हैं। भगवान वाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे बाप कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत शाउकार बनाते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से उस पढ़ाई से क्या मिलेगा यहाँ तो तुम हीरे जैसा बनते हो इक्कीस जन्मों के लिए उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है तो बाप का वर्षा टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा सब देते हैं अब बाप कहते हैं, देह सहत सबको भूलना है आप मुए मर गई दुनिया बाप के अडॉप्टेड बच्चे बने बाकी किसको याद करेंगे दूसरों को देखते हुए जैसे कि हम देखते नहीं पार्ट में भी आते हैं परंतु हमारी बुद्धि में है कि अब हमको घर जाना है फिर यहाँ आकर के पाठ बजाना है अब ये बुद्धि में रहे तो भी बहुत खुशी रहेगी बच्चों को दे भान छोड़ देना चाहिए ये पुरानी चीज यहाँ छोड़नी है और फिर वापस जाना है नाटक पूरा होता है पुरानी सृष्टि को आग लग रही है और अंधे की औलाद अंधे अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं मनुष्य तो समझेंगे कि ये सोया हुआ मनुष्य दिखाया है परंतु ये अज्ञान निंद्रा की बात है जिसको तुम जगाते हो जिससे तुम ज, जागते हो ज्ञान अर्थात दिन है सतयुग और अज्ञान अर्थात रात है कलयुग। अब ये बड़ी समझने की बातें हैं। कन्या शादी करती है तो माता पिता सासु-ससुर आदि भी उसको याद आएगा उनको भूलना पड़े अब ऐसे भी युगल हैं, जो सन्यासियों को दिखाते हैं कि हम युगल बनकर कभी भी विकार में नहीं जाते हैं। ज्ञान तलवार हमारे बीच में है बाप का फरमान है कि पवित्र रहना है देखो रमेश और उषा है कभी भी पतित नहीं बने हैं अब ये डर है अगर हम पतित बने तो 21 जन्मों की राजाई खत्म हो जाएगी देवाला मार देंगे ऐसे कोई कोई फेल हो पड़ते हैं। गंधर्व विवाह का नाम तो है ना? तुम जानते हो कि पवित्र रहने से पद बहुत ऊंच मिलेगा एक जन्म के लिए पवित्र बनना है और योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है कि योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा कलयुगी पहाड़ उठाए सतयुगी सोने का पहाड़ स्थापन करते हो मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वह तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं ये तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एजेंट बनाते हैं, ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा वहाँ तो सोने की खानिया भरतू हो जाएंगी पांच तत्व भी सतोप्रधान है वहाँ फल भी वो बहुत अच्छा देते हैं सतोप्रधान तत्वों से ये शरीर भी वहाँ सतोप्रधान होते हैं वहाँ के फल भी बहुत बड़े और बड़े स्वादिष्ट होते हैं नाम ही है स्वर्ग तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही विकार छूटेंगे देह अभिमान में आने से विकार की चेष्टा होती है योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे ज्ञान बल तो है ना, परंतु योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा बाबा कहते भले ज्ञान भी एक बल है परंतु योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रलब्ध बड़ा तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा योग से ही पतित से पावन बनते हैं अब तुम बच्चे तो कहेंगे कि हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा मास में क्या कमाई होगी ये तुम एक एक रत्न धारण करते हो यह है लाखों रुपयों के वहाँ पैसे की गिनती नहीं की जाती अनगिनत धन होता है सबको अपनी अपनी खेतिया आदि होती है अब बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं ये है एम ऑब्जेक्ट पुरुषार्थ करके ऊंच बनना है राजधानी स्थापन हो रही है इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रलब्ध पाई इनकी प्रलब्ध को अगर जान गए तो बाकी क्या चाहिए अभी तुम जानते हो कल पांच हजार वर्ष के बाद बाप सृष्टि पर आते हैं और आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है बाबा कहते हैं अंदर में निर्णय लेना चाहिए कि खाना नहीं खाएंगे इतना उल्लास और उमंग हो तब ऊंच पद पा सकते हैं देखो बाबा कितना उमंग उल्लास भरते हिम्मत भरते बल भरते अच्छा थे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें नंबर एक है ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है नंबर दो है कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहत सबको भूलना है अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है देवताओं जैसा निर्लोभी निर्मोही और निर्विकारी बनना है वरदान है आज का विकारो रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी और निश्चिंत भव जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं ये आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है सहज योग के द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वे सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा यह चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ मैं अधिकारी हूँ आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है स्लोगन है आज का बालक और मालिक पने के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ अच्छा ओम शांति